यीशु मसीह डरने वाला नहीं है, मौत से फिरने वाला नहीं है, जब घावों से डरने वाला नहीं है, कोड़ों से डरने वाला नहीं है, राजा के निर्णय से डरने वाला नहीं है, पिलातुस के निर्णय से डरने वाला नहीं है, ले जाके सलीब पे चढ़ा दो डरने वाला नहीं है, कांटों का मुकुट लगाओ डरने वाला नहीं है, बगल में भाले बोको डरने वाला नहीं है। ही केम फॉर दैट, वो उस चीज के लिए आया है। सभी को जय मसीह की। आज की इस खजूर रविवार में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस पाम संडे खजूर रविवार का मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। आइए आज की आराधना में हम आगे बढ़ेंगे और आज परमेश्वर के जीवित वचन को हम सुन लेंगे। आज के इस विशेष संदेश को हम सुनेंगे जो खजूर रविवार से संबंधित संदेश है, जिसे लेकर हमारे बीच में आएंगे डॉक्टर पी देवदास, जिनके संदेशों से हम बीते कई दिनों से लाभान्वित हुए हैं और आज भी हम उनके संदेशों के द्वारा हम निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। और वचन में जाने से पहले आइए समय होगा कि हम एक विशेष गीत को सुन लेंगे। Yeshu, 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 Yeshu,
प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को नमस्कार। जय मसीह की। यीशु सहाय। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ कि एक अवसर और उसने दिया कि मैं आपके साथ मिल सकूँ, आपके साथ परमेश्वर के वचन को बांट सकूँ। सबसे पहले मैं आप सबों को बहुत 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 पाम संडे की बधाई देना चाहता हूँ, खजूर इतवार की बधाई देना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के जय प्रवेश की बधाई देना चाहता हूँ, ताकि ये जय का जीवन हमारे हम सबके तुम्हारे सबके जीवन में बना रहे। ये आशीष हम आज प्राप्त करना चाहते हैं। कितने सालों से इसके प्रचार करते गए, पढ़ता रहा, मैं भी करता रहा। हर पैशन वीक में जहाँ कहीं भी जाए ये खजूर के इतवार से ही शुरू करते हैं और इसी विषय से लेते हैं। और गधा जो है हीरो रहता है। गधे जो है, गधे के बिना ये पूरा होता नहीं है। कब मैंने कई बोला, गधे के बारे में बोला, खजूर के डालियों के बारे में बोला, जय प्रवेश के बारे में बोला, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की यात्रा थी उसके बारे में बोला, ये सब बिलाम के बारे में बोले, ये सब हुआ। लेकिन मैं सोच रहा था कि इसमें क्या चीज है, प्रभु यीशु मसीह क्यों गधे पर बैठा। प्रश्न ये उठता है, गधे पर क्यों बैठा, गधे पे बच्चे पर क्यों बैठा। तो इसके लिए मैं जब खोज रहा था तो मुझको ये मिला कि जकरिया उसका 9वां अध्याय और 9वें वचन में मैं पढ़ता हूं आपके सामने। हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। ये जकरिया में प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की गई है और ये भविष्यवाणी को पूरा करना है। इसलिए ना घोड़ा लिया, ना हाथी लिया, ना कोई दूसरा जानवर लिया, ना कोई रथ लिया, ना कोई भी वाहन नहीं लिया। प्रभु यीशु मसीह किसके लिए? मरकुस रचित सुसमाचार 11वें अध्याय को पढ़िए, या सुसमाचारों में जहां कहीं भी है आप उसको पढ़ के देखिए। मत्ती 21 में देखो, लूका 19 में देखो, योहन्ना 12 में देखो, और ये जिनको पढ़ के देखो कि यही लिखा आपको मिलेगा कि प्रभु यीशु मसीह प्रवेश किया है, गधे पर बैठ के किया है। अब देखिए, गधा जो है, गधा बोलो तो कोई भी पसंद नहीं करता। जो बच्चा बिल्कुल मूर्ख रहता है उसको गधा बोलते हैं। या मैं ये कोटा में 3 दिन की मीटिंग थी, उसके बाद मैं जयपुर आया था। जयपुर में मैसेंजर्स फॉर क्राइस्ट टीम वहाँ थी, उनको मेरे को ज्वाइन करना था और उसी दिन से मीटिंग शुरू होने वाली थी। दिन भर मैं गर्मी में बस में ट्रैवल किया और देखता हूँ तो रेत रेत दिखे और चारों तरफ गधे बहुत दिखाई देते थे। देखता रहा, मैं पहुंच गया, ठीक है, स्टेज पे बैठे नहा धो के। उस समय चौधरी जी मेरे बगल में बैठे थे और उस दिन बर्णबास को बोलना था। तो चौधरी जी ने मेरे को बोला, प्रोफेसर साहब बोलते हैं, प्रोफेसर साहब आप कुछ बोलिए। मैंने कहा, सर मैं थका हुआ हूँ, मैं अभी आराम से बैठा हूँ, मैं कल बोलूँगा। बोले, नहीं नहीं कुछ तो तुमको बोलना है यार। मैं खड़ा हुआ, मैंने बोला, गधा तो देख देख के मैं आया हूँ। मैं बोला, यहाँ कितने गधे हैं, हाथ उठाए के बताइए। कोई नहीं उठाया। मैं बोला, मैं हूँ। क्यों बोलूं? क्योंकि जिस पर प्रभु यीशु मसीह बैठा है वो गधा है और गधे की इज्जत प्रभु यीशु मसीह के बैठने से बढ़ जाती है। देखा, सब लोग हाथ उठाए और जो कोई यीशु मसीह को नहीं भी जानते होगा ना, वो भी उठा दिए होंगे। जो गधा नहीं है वो भी गधा बन गया। क्यों ऐसा?
प्रभु यीशु मसीह गधे पे क्यों बैठा, ये भविष्यवाणी पूरा होने के लिए बैठा है। ये पहली चीज है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, ये चीज जो है गिनती के 19वें अध्याय के दूसरे वचन में, व्यवस्था विवरण के दूसरे अध्याय के तीसरे वचन में आपको मिलेगा, पढ़ लेना। बाद में मैं एक निचोड़ आपको बताऊं कि निर्दोष जानवर जिस पर कभी कोई दोष ना हो और जिस पर कोई जुआ ना रखा गया हो, जो निर्दोष हो, निष्कलंक हो, ऐसे जानवर को, ऐसी चीज को तुम लाओ। और ये जो है, क्योंकि कोई भी सेरेमोनियल चीज के लिए ऐसे ही पशु की आवश्यकता होती है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला उस गधे के बच्चे को ला, और गधे के बच्चे के ऊपर यीशु मसीह बैठा। जैसे बैठा, खजूर की डालियां डालने लगे, कहते हैं डालियां डालने लगे, ब्रांचेस करके लिखा है, खजूर ही नहीं, वहां पर ऑलिव ट्री था, माउंट ऑफ ऑलिव से ऑलिव ट्रीज के भी पेड़ ला गए, जो भी है पत्ते वत्ते ला के लोग बिछा रहे, और जो नहीं ले पाए अपने कपड़े उतार के डाल रहे हैं, अपने गमछा उतार के डाल रहे हैं, अपने शर्ट उतार के डाल रहे हैं, जो भी है प्रभु, गधा जो है उस पर चल रहा है, गधा सोच रहा है इतनी इज्जत कैसे मेरे को मिल रही है, क्या बात है। लेकिन गधे एक बार सोचना, डोंट कम टुमारो, कल मत आना इस खाली अवस्था में, क्योंकि तुम्हारे ऊपर प्रभु यीशु मसीह नहीं है तो तुमको वो इज्जत नहीं मिलेगा। यदि प्रभु यीशु मसीह मेरे ऊपर नहीं है तो वो आशीष मुझको नहीं मिलेगी। और मैं सोचूं कि मेरे को, गधा सोचे कि मेरे को इतनी इज्जत मिली, दूसरे दिन भेड़ाट से जाएंगे अपने इज्जत लेने के लिए, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, तो गधा गधा ही रहेगा, क्योंकि यीशु मसीह तेरे ऊपर नहीं है। यदि यीशु मसीह तेरे ऊपर है तो तू गधा नहीं, तो क्या होगा, राजाओं का राजा का वाहन हो जाएगा और तू वाहन कहलाएगा। और ये जो है ये, और इसलिए वर्ष में गिनती में भी 19वें अध्याय में, व्यवस्था विवरण में भी दूसरे अध्याय में ये लिखा हुआ आपको मिलेगा। आप देखिए, ये दो कारण हुए, एक तो भविष्यवाणी की पूर्ति होने के लिए, और दूसरा ऐसे जानवर चाहिए जिस पर बैठ के प्रभु यीशु मसीह अंदर जा सकता है, क्योंकि ये सेरेमोनियल है और यीशु मसीह को मालूम है कि ये इतवार को मैं जा रहा हूं, अगले इतवार तक क्या होने वाला है, यीशु मसीह को सब कुछ मालूम है। यीशु मसीह डरने वाला नहीं है, मौत से फिरने वाला नहीं है, जब घावों से डरने वाला नहीं है, कोड़ों से डरने वाला नहीं है, राजा के निर्णय से डरने वाला नहीं है, पिलातुस के निर्णय से डरने वाला नहीं है, ले जा के सलीब पे चढ़ा दो डरने वाला नहीं है, कांटों का मुकुट लगाओ डरने वाला नहीं है, बगल में भाले बोको डरने वाला नहीं है। He came for that, वो उस चीज के लिए आया है, इसलिए वो सहने की शक्ति है। क्योंकि देखिए, मैं कई बताता हूं, कई अपन पढ़ते हैं ना, हो सके तो यह प्याला टल जाए, ये दुआ करता है, इसको ये कई लोग बताते हैं, खैर रीजन मैं किसी क्रिटिसाइज नहीं करता, अपने अपने भाव से बताते हैं कि मानव मनुष्य होने के कारण वो उस तरह से बात किया, उस तरह से दुआ किया, वो ठीक है, आई एग्री दैट, लेकिन मैं कुछ अलग सोचता हूँ, मैं कुछ और अच्छा सोचना चाहता हूँ, कुछ और शक्तिशाली सोचना चाहता हूँ, कुछ और हकीकत की ओर जाना चाहता हूँ कि यीशु मसीह जो है इतना कमजोर नहीं है कि मेरे को मौत से बचा ले करके दुआ करे। मानव है तो भी वो परमेश्वर का एकलौता पुत्र है, मनुष्य के रूप में आया है तो भी वो परमेश्वर है, मनुष्य के रूप में चल रहा है तो भी त्रिएक परमेश्वर है, उसमें पूरी शक्ति कौन सी है, परमेश्वरत्व है, वो स्वर्गीय शक्ति उसके अंदर में है, डिवाइन है, पवित्र है, परमेश्वर है, एकलौता पुत्र है, त्रिएक परमेश्वर है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा है, ये कैसे डर जाएगा, ये मैं बताऊं आपको, ये बोलता होगा मैं सोचता हूं कि मेरा प्रभु यीशु मसीह शक्तिशाली है और कभी कमजोरी नहीं दिखाएगा, कभी डर नहीं दिखाएगा, लेकिन वो क्या बोलता है कि मेरे को इतना मार रहे हैं, मेरे बदन लहूलुहान हो गया है, चमड़ी छिल गई है, लुथड़े हो गए हैं, ये कांटों का मुकुट जो है, दर्द के मारे मैं मरे जा रहा हूं, मुझको ऐसा लगता है कि मेरा प्राण निकल जाएगा, मुझको ऐसा लगता है कि ये मेरे अंत हो जाएगा, लेकिन पिता तू जान जानता है कि तूने मुझे क्यों भेजा है, पापियों के उद्धार के लिए, उनके क्षमा याचना के लिए, सात वाणियां क्रूस पर मेरे को बोलना है, इसलिए ये मौत मुझ पे ना आए, अंतिम सांस तक जब तक पूरा हुआ नहीं बोलूं, मेरी सांस चलती रहे और मैं जीवित रहूं, इसलिए बोला ये मौत का कटोरा मेरे पास से हट जाए, शायद ये मैं इंटरप्रेट करता हूं, क्योंकि उसकी हर एक दुआ सुनी गई है। इब्रानियों के खत को पढ़ के देखिए, उसमें कोई भी ऐसी दुआ प्रभु यीशु मसीह की नहीं है जो कि अस्वीकार किया गया हो, सारी चीजें उसकी स्वीकार की गई है, और ये प्रभु यीशु मसीह की शक्ति को प्रदर्शित करता है, और ये प्रभु यीशु मसीह ने
लिए, सारी चीजें हमारे लिए सरल करके चले गए, सारी चीजों का हल कर दिया, सारी चीजों को उसने हमारे ऊपर से निकाल दिया, सारे पापों के बोझ से हमें हल्का कर दिया। कैसे कर दिया? यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है, वो क्या करता है? गधे पे बैठ के अंदर जा रहा है। काहे के लिए जा रहा है? आने वाले 7 दिनों तक देखो क्या होने वाला है, सोमवार को क्या होने वाला है, मंगल को क्या होने वाला है, बुधवार को क्या होने वाला है, बृहस्पति को क्या होने वाला है, शुक्रवार को तो क्या खत्म होने वाला है, और खत्म हो जाएगा, वो खत्म नहीं है, इतवार को फिर से जी के उठने वाला है। ये पर प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं कहता है। यीशु मसीह हमें करने को कहता है वैसा ही करने को कहता है जैसा कि वो किया। मतलब ऐसी कोई चीज यीशु मसीह ने हमसे करने को नहीं कहा जिसको उसने नहीं किया है। आवनवाव जैसी कोई भी चीज हमको ऐसा करने को नहीं कहता है जिसको हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ में है। और हम जानते हैं, यीशु मसीह जानता है कि आगे क्या होने वाला है। यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, वो जानता है कि मेरे जीवन में आगे क्या होने वाला है। यरूशलेम को देखता है, यरूशलेम को देखकर जो कि करीब करीब 2500 फीट सी लेवल से ऊपर है, उसको देखता है, और उसको देखने के बाद उस पर रोता है। क्यों क्यों रोता है? क्योंकि इसके आगे का भविष्य मालूम है, यरूशलेम का क्या हाल होने वाला है मालूम है। प्रभु यीशु मसीह के बाद 20-25 साल के बाद देखे उसको किस प्रकार से यरूशलेम को खत्म किया गया, रुइन कर दिया गया, यहूदियों को निकाला गया, यहूदी जान बचा के भागने लगे, सारी दुनिया में फैलते गए, और वो शायद मेरे ख्याल से 1862 में हिंदुस्तान भी जहाजों में भर के, जल जहाजों भर के हिंदुस्तान भी आए ज्यूज लोग, लेकिन दुनिया में सारे लोग उसको परसेक्यूट किए, लेकिन हिंदुस्तान जो है, भारतवर्ष जो है, इसमें किसी भी यहूदी को सताव नहीं किया गया। एक भली बात ही बात मुझे अच्छी लगती है। और यहां पर भी आए और ये सब यहूदी जो है बिखर गए हैं। क्या यरूशलेम को देखकर यीशु मसीह क्यों रोया? क्योंकि ये आने वाली परिस्थितियों को वो जानता है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं निकाल के, ये लूका रचित सुसमाचार और उसका 19वां अध्याय और उसमें सब देखिए 40वें वचन में कहता है, उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं यदि तुम चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। यीशु मसीह के पीछे जो होशाना होशाना करके चिल्ला रहे थे ना, इस आवाज को सुनकर उसके गुरु लोग जो मंदिर में थे, जो फरीसी सदूकी लोग थे, उन लोग आके बोले इनको चुप कराओ। और इतना शोर हजार था, होशन्ना हो रहा था, हालेलुया या जो भी प्रेजिंग हो रहा था, इससे कहते हैं कि मंदिर और यरूशलेम हिल गया है। कार की आवाजें थी, इस आवाज को बंद करने को बोले। जब बंद करने को बोले तो यीशु मसीह क्या बोलता है? तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। यीशु मसीह क्या बोलता है इसके बारे में? मतलब तो ये चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, मतलब ये यदि जूज लोग चुप रहेंगे तो जेंटाइल शुरू हो जाएंगे, यदि तुम चुप रहोगे तो याद रखना कि ये पत्थर चिल्ला उठेंगे, मतलब तुम साथ नहीं दोगे तो ये प्रकृति मेरे साथ देगी। क्या हुआ? तब यीशु मसीह क्रूस पर था तो अंधेरा हो गया, चिड़िए भागने लगे, धरती कांपने लगी, भूमि में कंपन होने लगे, कब्रें खुलने लगी, क्या वर्षा होने लगी, अंधेरा हो गया जो नहीं होना था। हर प्रकृति, हर जानवर, हर चीज, अय्यूब कहता है मछलियों से पूछ वो तुझको बताएंगे, पशुओं से पूछ वो तुझको बताएंगे, और वो बोलता है क्या, ये पृथ्वी से पूछ ये तुझको बताएंगे। मतलब ये सारी चीजें जो है परमेश्वर को आज्ञा का पालन करते हैं, सब नियत समय पर नियत ढंग से नियत काम करते हैं। आम अपने सीजन में ही होता है, सीताफल अपने सीजन में ही होता है, बी अपने सीजन में ही होता है, जिस पेड़ में जो फल लगना वही लगता है, जिस वृक्ष में जिसको रहना वही रहता है, जिस जल में जिसको रहना जल में रहता है, पृथ्वी पर जिस पर जानवर जन्म रहता है, जिसको जो खाना है वो खाते हैं। एवरी डिसिप्लिन इज इन द नेचर, पूरे नेचर में, अब पूरी प्रकृति उसके साथ देगी। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है कि यदि ये चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, मतलब ये प्रकृति मेरे साथ देगी। आओ मैं यरूशलेम में प्रवेश करने जा रहा हूं, मैं यरूशलेम में प्रवेश करने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि यरूशलेम तेरी क्या हालत होने वाली है, इसको देखकर यीशु मसीह जो है रोता है, और रो के और वहां पर आंसू बहते हैं। और यीशु मसीह, जैसे यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने अधिकार के द्वारा, अपने परमेश्वरत्व के द्वारा,
अपने पुत्र होने के रिलेशन के द्वारा हमारे उद्धारकर्ता के रूप में आया है, हमारे पापों की क्षमा करने के लिए आया है, हमारे जीवन में प्रवेश करने को आया है, हमारे इधर अंदर प्रवेश करता है, हमारे अंदर में होशन्ना बोलूंगा है, हमारे मुंह में उद्धार का वचन देता है, हमारे दिमाग में अपनी सोच देता है, हमारे दिल पर अपना अधिकार जमाना चाहता है और हमें पवित्र करना चाहता है, सारी अपवित्रता से दूर करना चाहता है। और हम क्या करते हैं, हम अपने तरीकों से काम करते हैं। मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। एक आदमी था, बहुत पिया हुआ, नाली में गिर पड़ा और एक डोकरी दाई देखकर उसको कुछ दही वही लेके जा रही थी, उसको बोली बेटा थोड़ा सा खा ले, तू भूखा दिख रहा है। तो क्या बोलता है, नहीं नहीं मैं लेंट डेज के उपवास में हूं, आई एम ऑन लेंट फास्टिंग। कहा पी के, अरे उपवास करते लोगों को मैंने सुना है टाइम पास के लिए पिक्चर हॉल में चले जाते हैं कि कम से कम टाइम पास हो जाएगा। तो उपवास का क्या मतलब है, यीशु मसीह यही चाहता है क्या, हमारे अंदर के सही चीज। होशन्ना चिल्लाने वाले बहुत हैं, अपने कपड़े बिछाने वाले बहुत हैं, दिखावा करने वाले बहुत हैं, लेकिन याद रखना ये दिखावे की चीजें सारी खत्म हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि यदि तुम चुप रहोगे ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। और यीशु मसीह चाहता है कि हम इन पत्थरों से ज्यादा हमको प्यार करता है, इस नेचर से ज्यादा हमें प्यार करता है। सबसे ज्यादा परमेश्वर ने मोहब्बत से किसको बनाया, आदम और हव्वा को बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि अपने इमेज में बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, अपने समान बनाया, अपना पुत्र का अधिकार दिया, हमारे लिए अपने पुत्र को भेजा, हमारे लिए पाप किए हुए लोगों को बचाने के लिए भेजा। ये सारे इंतजाम उसने किया और इस पाम संडे पर हमारे अंदर में अपना प्रवेश चाहता है, जय प्रवेश चाहता है, हमारे अंदर में अपना अधिकार चाहता है, हमारे अंदर में अपनी आत्मा को रखना चाहता है, हमारे अंदर में अपने को बसाना चाहता है। आइए हम इस पर इसको पवित्र पर्व को पवित्रता से बनाएं। और याद रखना कि सही गधा बनना चाहते हो तो प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे ऊपर रहे, तभी तुम्हारे जो है सही मसीहत्व प्रकट हो सकता है। यदि नहीं है तो कई गधे घूमते रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। याद रखना, क्योंकि क्या बोलता है कि होशन्ना होशन्ना करके पुकार रहे हैं कई लोग। यहां से होशन्ना होना चाहिए, यहां से होशन्ना कोई मतलब नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, मैं नहीं उसके अगेंस्ट में नहीं हूं, बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया बोलो, होशन्ना बोलो, प्रभु की जय बोलो, यीशु मसीह की जय बोलो, यीशु सहाय बोलो, और सब कुछ बोलो, प्रभु की प्रार्थना करो, उससे प्रार्थना करो, सब करो। लेकिन यहां से मेरा कंसर्न है कि यहां से नहीं, यहां से नहीं, यहां से होना चाहिए। या फिर मैं बोलूं यहां से और यहां से एक साथ यदि तीनों लाइन में आ जाएं तो हमारे लिए एक कारण हो सकता है, परमेश्वर तक की आवाज पहुंच सकता है। क्या बोलते हैं कई लोगों को मैंने सुना कि आई हैव टच्ड हेवन टूडे इन माई प्रेयर। ये डायलॉग सुने आप, यस आई टू रियलाइज दैट। कभी कभी ये लगता है दुआ करने के बाद कि आई हैव टच्ड हेवन, मैंने यीशु मसीह को छुआ, मैंने स्वर्ग को छू लिया, स्वर्ग को पा लिया, देख लिया, ये उसकी धुआं उसकी और उसकी सुगंध और उसका स्वरूप, ये सारी चीजें हमको दिखाई दी, प्रकट हो गई, ये हमारे जीवन में प्रकट होता है। वो प्रभु यीशु मसीह के जय प्रवेश हमारे अंदर में आना चाहिए। नहीं होगा तो नहीं होगा, क्योंकि यदि तू नहीं तो दिस नेचर विल शाउट, ये प्रकृति चिल्लाएगी। याद रखना जय प्रवेश। और ये क्या करता है, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने बोला है वैसा ही करना। चौक में बंधा हुआ पाया, चौक में बंधा हुआ रहेगा। गधा क्या है, ऑर्डिनरी नहीं, चार रास्तों के क्रॉस रोड पे रहेगा। कैसे मतलब, कि इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। सारी चीजें खुली है हमारे लिए, संसार में सारी चीजें परमेश्वर ने हमारे खोल दिया और बोले कि इस फल को मत खाना, बाकी पूरा बगीचा तेरा है, पूरी प्रकृति तेरी है, सारे जानवर तेरे अधीन में, तू राजा है, सब कुछ है, तू यहां स्वतंत्र है, तू यहां बस जा और यहां पर फलो फूलो, लेकिन उस फल को मत खाना। चौरस्ते पे है, चॉइस बहुत है, गधा किधर भी जा सकता है, लेकिन नहीं, ये कहां सीधे रास्ते पर हमको चलना है। और यहां पर क्या बोलता है, चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे, उनमें से वहां खड़े थे कोई कहने लगे, क्या करते हो, गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो। जैसा यीशु ने कहा था वैसे ही उन्होंने उससे कह दिया, तब लोग उन्हें जाने दिए। कोई रोक नहीं सकता, जब मैं यीशु मसीह की गवाही देता हूं ना,
कोई मुझे रोक नहीं सकता। मैं बताऊं, चाहे कितने भी क्रिटिसाइज करे, चाहे कितने भी अपोज करे, लेकिन हकीकत को कोई टाल नहीं सकता और यीशु मसीह के परमेश्वरत्व को कोई छुपा नहीं सकता और न छुप सकता है, क्योंकि कहता है कि हमें उसके ऊपर अधिकार है। हमारा अधिकार सारे प्रकृति पर है, हमारा अधिकार सारे जीव पर है, लेकिन कब? उस फल को नहीं खाना बस। और हम क्या करते हैं, सारा अधिकार को चाहते हैं और फल भी चाहते हैं, ये हमारे अंदर में नहीं हो सकता। आज यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है प्रभु यीशु मसीह। आने वाले दिनों में क्या क्या होने वाला मालूम है, क्या क्या काम करने वाला मालूम है, कैसे सताव होने वाला मालूम है, कैसे रोटी तोड़ना है मालूम है, कैसे फिर क्रूस पर चढ़ना है मालूम है, चढ़ने के बाद सात वाणी कैसे बोलना है मालूम है, और यीशु मसीह को यह भी मालूम है कि तीसरे दिन जी के उठने वाला है, क्योंकि पहले से डिक्लेयर्ड है। और जी के उठने के बाद 40 दिन तक घूमना है और उसके बाद फिर उस माउंट ऑलिव से उठ के निकल के जाना है और फिर उसी माउंट पर आना है। जैसे ही उसका पैर गिरेगा, माउंट फटेगा, दो टुकड़े हो जाएगा, भूकंप हो जाएगा, क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, परमेश्वर का एकलौता पुत्र है, पवित्र आत्मा है, वो प्रवेश, जय प्रवेश आज के दिन पर, इस पाम संडे पर। आइए हम एक साथ मनाएं और एक साथ प्रेज करें। एंड इफ यू विल प्रेज हिम, यू विल गेट द स्पिरिट। मैं ये बताता हूं, यदि उसकी प्रेज करो। एक लड़का बोल रहा था, जवान आर्मी ऑफिसर मेरे से, कि मुझको दुआ करना है अंकल, आई एम नॉट गेटिंग वर्ड्स। मैं बोला जस्ट प्रेज हिम। तू प्रेज कर तो तेरे लिए फिर शब्दों का भंडार है, स्टॉक आ जाएगा कि कोई कमी नहीं होगी। कितने घंटे हो गए पता नहीं चलेगा। महान है, उद्धार करता है, पराक्रमी है, परमेश्वर है, मुझको बचाया, मुझको चंगा किया, मुझको निकाला, मुझको संभाला, मेरे लिए ये किया, तू उतना है, सारी प्रकृति तेरी है, सारे आसमान तेरी, धरती जाओ, गो ऑन प्रेजिंग हिम एंड यू विल एंजॉय द प्रेयर। ये मैं बताऊं, अब देखिए, मतलब प्रेज करो, प्रेज करो, मतलब जो चीज मेरे पास है उसके लिए तो मैं प्रेज करता हूं, थैंक यू बोलता हूं, जो चीज मेरे पास नहीं है उसके लिए थैंक यू बोलना बड़ी चीज है, क्योंकि प्रभु ने हमें इसलिए नहीं दिया क्योंकि मुझे नहीं चाहिए वो चीज। यदि वो चीज मुझे मिलता तो मैं कुछ और होता, बिगड़ जाता, इसलिए मुझे नहीं दिया। मुझे ये चीज इसलिए दिया क्योंकि परमेश्वर की यह इच्छा है, नॉट माई विल बट थाई, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो करके प्रभु यीशु मसीह ने दुआ हमको सिखाया। वो खुद किया और हमको बोला, हमको सिखाया, खुद करता है उससे हम सीखते हैं। और हमारी भी दुआ ये, मैं भी करता हूँ सारी चीजें, मांगता हूं, लेकिन बाद में बोलता हूं, परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, क्योंकि तेरी इच्छा में मेरी भलाई है और मेरी इच्छा में मेरी भलाई नहीं हो सकती है। मैं बताऊं, जॉन वेस्ली जो है एट द एज ऑफ 21, जब 21 साल का था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गया हुआ था, वहाँ पर हॉस्टल के कॉरिडोर में एक दिन रात को वो कहीं से लौट के आ रहा था, ठंड बहुत थी, और वो देखा कि वहाँ एक पॉर्टर जो है, या कहिए जिसको दरबान या चौकीदार जिसको बोल सकते हैं चपरासी, वो वुडन फ्लोर पे लेटा हुआ है साफ पका और कर रहा है, सुकुड़ रहा है ठंड के मारे, और बोलता है प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये तो निकल गया और वेस्ली फिर लौट के आया, लौट के आके बोला, ओ मिस्टर, फॉर व्हाट यू आर प्रेजिंग, किस बात के लिए प्रेज कर रहे तुम, तेरे पास तो कुछ नहीं, ठंड में मर रहा है, तू क्या प्रेज कर रहा है? तो बोलता, ये पुराना कोट जो मेरे पास है इसके लिए मैं प्रेज कर रहा हूँ, ये सीमेंट का नहीं वुडन फ्लोर है इसके लिए मैं प्रेज कर रहा हूँ, मैं मरा नहीं मैं जिंदा हूं इसके लिए प्रेज कर रहा हूं, मैं भूखा नहीं मेरे को खाना भी दिया इसके लिए प्रेज कर रहा हूं, मेरे पास नौकरी नहीं पॉटर की नौकरी दिया इसके लिए मैं प्रेज कर रहा हूं, आई प्रेज हिम बिकॉज ही इज द लॉर्ड वर्दी टू बी प्रेज्ड, ये मेरा प्रभु यीशु मसीह है। और वेस्ली बोलता है, जॉन वेस्ली, कि सिंस दैट डे आई हैव लर्नड ए न्यू लेसन, एक नया सबक मैंने सीखा कि प्रेज हिम, प्रेज हिम, प्रेज हिम, व्हाट एवर द सिचुएशन में भी, तू बीमार है प्रेज हिम, घटी में है प्रेज हिम, भूखा है प्रेज हिम, भरा पेट है प्रेज हिम, दिया है प्रेज हिम, नहीं दिया प्रेज हिम, क्योंकि यीशु मसीह जय प्रवेश के साथ हमारे अंदर में आने वाला है। नए 1791 में शायद जॉन वेस्ली की डेथ हुई और जब वो डेथ पर बेड पर था और लास्ट सांस के टाइम था और उसकी दुआ यही थी कि लॉर्ड यूज मी अनटिल माय लास्ट ब्रेथ, ये उसकी इच्छा भी थी। और वो क्या बोलता है आखिरी में देखिए, एट द टाइम ऑफ हिज डेथ ही वॉज सिंगिंग ए हाइम
एक गीत गा रहा था, वो गीत है आई विल प्रेज माय मेकर व्हाइल आई हैव ब्रेथ, आई विल प्रेज माय मेकर व्हाइल आई हैव ब्रेथ, मैं अपने सृष्टिकर्ता के प्रशंसा करूंगा, स्तुति करूंगा मेरे आखिरी सांस तक, उसकी स्तुति करते रहूंगा, उसका गीत गाते रहूंगा। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह जय प्रवेश हमारे हृदय में करना चाहता है, आपके हृदय में करना चाहता है, आपके घरों में करना चाहता है, आपके जीवन में करना चाहता है, आपके परिवार में करना चाहता है, मेरे अंदर करना चाहता है, हमारे परिवार में करना चाहता है, हमारे ऊपर आशीष देना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू गिव 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 गिव, टेक का कोई सवाल ही नहीं, देने के लिए आया, देना देना देते देता का देना दाता है, हमारा सब कुछ हमारा दाता है, सर्वे सर्वे है, परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, परमेश्वर स्वयं है, और वो जब मेरे पे बैठता है मेरी इज्जत होती है और मुझे स्वर्ग राज्य में प्रवेश मिलता है। यदि वो नहीं है तो तू खाली गधा है, खाली मनुष्य है, खाली जीव है, लेकिन तेरा अंत जो है नरक है। याद रखना, दिस चॉइस डिपेंड्स अपॉन यू डियर, आज के दिन पर ये चॉइस तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ यू टेक इट, इस अपॉर्चुनिटी को कैसे हैंडल करते हो, कैसे लेते हो। आज के दिन इस पेंडेमिक सिचुएशन में, और जबकि हम एक दूसरे के आमने सामने पर्सनल कांटेक्ट नहीं हो सकता है, और हम जूम के द्वारा कांटेक्ट कर रहे हैं, और इसमें भी आप घर बैठे सुन रहे हैं, आप सुनने के बाद परिवार के साथ सुन रहे हैं, अकेले सुन रहे हैं, जैसे भी सुन रहे हैं, आवाज जा रही है, तो याद रखना यहां पर दस्तक होना चाहिए। आज नहीं हुआ तो फॉर नो यूज, और हुआ तो होप, ग्लोरी टू गॉड, परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे। आइए इस अपॉर्चुनिटी को हम भुला लें और हम बड़े ईमानदारी से, बड़े अदब से हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, और जिस किसी के भी मन में यदि होता है इच्छा, आई वॉन्ट टू सरेंडर माई सेल्फ, मैं अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन में और सुधार लाना चाहता हूँ, मैं आत्मिक जीवन को बढ़ाना चाहता हूँ, मैं कमजोरियों को छोड़ना चाहता हूँ, जय प्रवेश यीशु मसीह का मेरे अंदर में होना चाहिए, मैं वो गधा हूँ जिस पर यीशु मसीह बैठा है, यीशु मसीह की सवारी बनना चाह रहा हूँ, तो फिर मैं नीचे जमीन पर नहीं, कपड़ों पर, पत्तों पर और चलूंगा, धरती पर नहीं चलूंगा, क्योंकि यीशु मसीह मेरे ऊपर बैठा है। जिस दिन यीशु मसीह तेरे पे सवार हो जाए, मेरे पे सवार हो जाए, याद रखना धन्य हो जाओगे और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का हक पा जाओगे। आइए, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम दुआ करें। खुदावन, बड़े ईमानदारी से तेरे पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, अंतिम सांस तक तेरा स्तुति करना चाहते हैं, अंतिम सांस तक तेरे में बना रहना चाहते हैं, क्योंकि उसके बाद तो हम तेरे में हैं, तेरे में, तेरे में, तेरे पास हैं। खुदावन, स्वर्ग राज्य में जाने का अधिकार तू दे देता है, सारी चीजें खोल के रख दिया। खुदावन, इसके लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे पुत्र के लिए धन्यवाद देते हैं, उसके जय प्रवेश के लिए धन्यवाद देते हैं, उसके यातना के लिए धन्यवाद देते हैं, उसके त्याग के लिए धन्यवाद देते हैं, उसके कष्टों के लिए धन्यवाद देते हैं, उसके तकलीफों के लिए धन्यवाद देते हैं, उसकी कुर्बानी के लिए धन्यवाद देते हैं, उसके वाणियों के लिए धन्यवाद देते हैं, और खुदावन हमारे जीवन में हर एक चीज पूरी हो जाए, ये हमारी तुझसे दुआ है। सब पर तेरी आशीष को चाहते हैं, तेरे आने में समय हो, दिया हुआ जीवन हो तो और अवसर दे कि हम तेरे वचन को इसी प्रकार सीख सके और अपने आत्मिक शक्ति को बढ़ा सके। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर हियरिंग एंड बीयरिंग मी, गॉड ब्लेस यू।